हेलो नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुमित पांडे, MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं MBBS स्टडी एंड फन। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया फाइनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवानी है हमें काउंसलिंग के लिए, क्योंकि काउंसलिंग इतना डिले हो रहा है। तो एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं जिसको रिलेटेड मुझे आपके साथ शेयर करना ही था। तो वीडियो लास्ट देखिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी काउंसलिंग में लगभग एक महीने के आसपास है कम से कम। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तुरंत नहीं बन सकते। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी अप्लाई करेंगे तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पे मिलता है। और ये वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिना आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम बता दूंगा, और जिसमें टाइम लगेगा मैं वो भी बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट टाइम लगेगा और कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं खुद एक मेडिको हूँ, मुझे पता है क्या क्या कंडीशंस होती हैं। और चैनल नया है तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें अपने नीट स्टूडेंट में, ताकि किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से, बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट की वजह से काउंसलिंग कैंसिल हो जाती है। मैंने जब काउंसलिंग कराया था तो एक बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से काउंसलिंग से उसको बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उसका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में था। कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जिसकी वजह से आप काउंसलिंग नहीं कर पाते आपके मार्क होते हुए भी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बनाने ही हैं, और इसको अप्लाई कर दें अगर आपके पास अभी नहीं है तो। और तो जानते हैं, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका नीट अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जो रजिस्ट्रेशन का लेटर होता है वो लेटर आपको अपने पास रखना है। और मैं जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा ना, आप उसे कम से कम 3-3 जेरक्स करा लीजिएगा। पर डॉक्यूमेंट कम से कम एटलीस्ट 3 जेरक्स जरूर करा के रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि बहुत जगह लगते हैं ये जेरक्स। आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होंगे वो तो आपको फाइनल आपके कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे, जो आपको 5 साल बाद जब आप उस कॉलेज से निकलोगे तभी आपको मिलेगा। तो उसके जेरक्स, उसके स्कैन करके, उसका PDF जैसे भी आप अपने पास रख सकते हो, कलर जेरक्स करा के वो जरूर रख लेना, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद आपके पास वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली नहीं रहेगा। जब आपके कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे तो फिर आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप कम से कम एटलीस्ट 3-3 जेरक्स करा लीजिएगा और स्कैन करके हर डॉक्यूमेंट का अपने पास रख लीजिएगा। तो उसके पास हो जाता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आपने एग्जाम दिया था तो आपका एडमिट कार्ड, उसको भी फेक मत देना या कहीं भूल मत जाना, बहुत जगह एडमिट कार्ड भी मांगते हैं। तो एडमिट कार्ड का भी कम से कम 2-3 जेरक्स करा के रख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी लगेगा और बाकी काउंसलिंग प्रोसीजर में भी आपका डॉक्यूमेंट ये लगेंगे। फिर स्कोर कार्ड, आपका जो रिजल्ट निकला था स्कोर कार्ड, और जब आपका रिजल्ट निकला था तो आपने जो मार्क, आपके रैंकिंग का जो स्कोर कार्ड निकला था, उसका भी कम से कम 3 जेरक्स करा के रख लीजिएगा। कम एक और चीज़, कम से कम आप अपने पास 30-40 कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह आपके फ़ोटो लगेंगे। यहाँ से काउंसलिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कॉलेज तक आपके बहुत सारे फ़ोटो लगेंगे। तो एक ही फॉर्मेट का कम से कम 30-40 फोटो अपने पास करा कर रख लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जगह जगह फ़ोटो चेंज नहीं करा सकते। यहाँ पर ये देंगे, वहाँ पर दूसरा फ़ोटो देंगे, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो एक ही फॉर्मेट के कम से कम 30-40 फोटोग्राफ आप पासपोर्ट साइज के अपने पास रख लीजिएगा। 10th की मार्कशीट 6 नंबर पे है, 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। जो 7 डॉक्यूमेंट है वो आपका है गैप सर्टिफिकेट। देखिए, गैप सर्टिफिकेट भी बनवाने में आपको टाइम लगता है। गैप सर्टिफिकेट बनता कहाँ है, मान लीजिए जैसे अभी तो एज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है, लेकिन मान लीजिए आपने 2021 का नीट दिया है और आपने 12th पास किया था 2018 में, तो आपका गैप बनेगा कम से कम 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21। 3 साल का आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा। और बनता कहाँ है, ये तहसील से बनता है। आप 10 रुपये, 50 रुपये किसी भी फॉर्मेट पे आप बना सकते हो। वहाँ पे जाओगे तहसील में, अपना मोहर वोहर लगा के पूरा लिख के दे देगा। गैप सर्टिफिकेट मैं नहीं बनवाया था, मेरा भी 1 साल का गैप था। तो गैप सर्टिफिकेट आपको तहसील से बनवाना ही पड़ेगा, आपको ये जरूर लगेगा कॉलेज में। तो आप जितने साल के गैप हो, एकेडमिक सेशन होता है, मान लीजिए जैसे 18 से 19, 19 से 20 और 20 से 21, 3 एकेडमिक सेशन आपका गैप हो गया, तो 3 एकेडमिक सेशन आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने इस 3 साल कुछ और काम नहीं किया, आपने तैयारी की है जो भी किया। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपका गैप है तो। 8 नंबर पे है कि आपको कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी एज सर्टिफिकेट बनवाने की आपकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। 9वें नंबर पे है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से जरूर मिला होगा, जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जनरली 12th का ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगता है। और अगर आप, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि भैया मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो आप स्कूल में जाइए, फिर से अप्लाई कीजिए, तो स्कूल वाले आपको वापस ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे देते हैं।
दसवें नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से ही मिलता है। जनरली आपने 12 पास किया हुआ तो वो सीबीएसई बोर्ड से ही आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सीबीएसई से हो तो बोर्ड से आता है, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका आ जाता है। बहुत सारे बच्चों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो उनको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा उस केस में। तो जितने लोग कमेंट किए थे कि भैया मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो मैं क्या करूँ, तो वो कम से कम आप अपना एक एफिडेविट बनवा सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। 11वें नंबर पर जो सबसे जरूरी होता है वो हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बहुत जरूरी होता है, आप किसी भी स्टेट में काउंसलिंग करने जाते हो तो अगर आप बहुत सारे स्टेट में ऐसे क्राइटेरिया कि अगर आप 10th और 12th उसी स्कूल से पास किए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से पास किए तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो भी फॉर्मेट जो दिया होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें और उसको एक दो बार कन्फर्म करा लें किसी भी अथॉरिटी से कि ये सही है नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपको स्टेट काउंसलिंग करने के लिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं, इसको तहसील से लेके एसडीएम से लेके कई जगह घूमना पड़ता है तब जाकर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें। 12वें नंबर पर है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपको बस बोल देने से आप मान्य नहीं हो जाएंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी होने चाहिए वो बेनिफिट लेने के लिए। तो ये भी आप अप्लाई कर दें, अभी भी आपके पास टाइम है। 13वें नंबर पे है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपने पापा का बनवाना पड़ेगा क्योंकि आपके गार्जियन का बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट स्कॉलरशिप देते हैं। तो स्कॉलरशिप देते हैं तो आप जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपके स्कॉलरशिप के लिए आपका अप्लाई होगा, और अप्लाई होगा तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं भी नया हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलता है लोगों को, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगता है कि लोग जुड़ते हैं, लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, लोगों को हेल्पफुल लगती है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि चैनल नया है और ऐसे आपके सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलता है, तो रेड बटन दबा दीजिए। बात करें अगर 14वें नंबर की, तो 14वें नंबर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके आईडी प्रूफ लगता है जो जनरली आधार कार्ड वैलिड होता है, तो आधार कार्ड के भी आप 3-4 जरस करा लें। ठीक है, 15वें नंबर पे है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके जब एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज में सबमिट होता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंट घूम के आपको आई का ई का वो जनरली देखते हैं, कुछ तो चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही साइन कर लेते हैं, फॉर्मेट होता है उस पर आपको सारे डिपार्टमेंट के सिग्नेचर करा लेने हैं। 16वें नंबर का जो है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी आपको स्कूल से ही मिल जाता है, कुछ बच्चों के स्कूल से अगर गुम हो जाएंगे तो आप अपने तहसील से, ग्राम प्रधान से, इन सबसे आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो ये हो गए 17 डॉक्यूमेंट जो आपको बहुत ज़रूरी होंगे, और 18वां और सबसे लास्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो है डॉक्यूमेंट ऑफ हैप्पीनेस। ये मजाक कर रहा था, आपको कॉलेज मिल गया तो आप खुश हो, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन आप ये 17 डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला वो ज़रूर अपडेट करा लें, क्योंकि इसके बिना आपकी काउंसलिंग मुश्किल हो जाएगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको कराने ही हैं, जिसके बिना आपको काउंसलिंग लेट हो जाएगी, और जितने क्वेरीज होंगे आई होप कि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी इस वीडियो में। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक टाइम निकाल के एक वीडियो डाल ही दूँ, तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी हाँ, एक और चीज़, अगर आप 2022 की तैयारी के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाएं, हम मिलके बहुत सारे लोग उसके वजह से भी जुड़े हैं, लगभग हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं अभी तक, तो कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो जो लोग पूछते हैं कि चार्जेस कितने हैं, तो चार्जेस मेरे कुछ भी नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खुद एक मेडिकल हूँ, तो मैं वो कंडीशन से गुजर चुका हूँ, तो क्या दिक्कतें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या टेंशन होती है, कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है, आप मुझे ये सवाल ना पूछे, अब करना बस ये चैनल से जुड़ जाना है, 2022 से मिलकर तैयारी करेंगे, एक अच्छा से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेके जाएंगे, और उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट, और उसके लिए आपको बस कुछ भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, और कोई भी चार्जेस नहीं है, नो हिडन चार्जेस, नथिंग, आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की जो वीडियो थी वो मैंने अभी डाल दिया, आप ये सारे डॉक्यूमेंट देख लीजिए, एक बार फिर टैली कर लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास बन चुके होंगे तो आप काउंसलिंग के लिए तैयार हैं, और अगर नहीं बने होंगे तो आप अपना अप्लाई कर दें, और जाते जाते वो रेड बटन दबा के जाइएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट आपके काउंसलिंग के लिए, अगर फिर भी कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई और डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने बहुत लोगों का रिप्लाई किया है, और कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई कर ही रहा हूँ, तो आप को ऑल द बेस्ट, इन्जॉय करो जो भी टाइम है अभी तक का, जो उसको इन्जॉय कीजिए, और जाते जाते वो रेड बटन दबा के जाइएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।